भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को बीच सभा में व्यक्तिगत तौर पर एक मित्र की भांति अभिवादन करते बाइडेन की ये तस्वीर गोदी मीडिया के उस टूल किट का हिस्सा बन गई है जिसमें पीएम मोदी को विश्व गुरु साबित करने की होड़ सी लगी है और बीजेपी नेता भी गोदियों की लीला में उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं। मोदी जी को विश्वगुरु साबित करने के लिए बनाए गए मीडिया और बीजेपी नेताओं के इस गठजोड़ पर अब सवाल भी उठने लगे। आपको बता दें ये तस्वीर G20 समिट के दौरान उस वक्त ली गई जब दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष और डिप्लोमेट्स मैंग्रोव जंगल के भ्रमण के लिए तैयार हो रहे थे। ठीक उसी वक्त बाइडेन ने हाथ उठाकर पीएम मोदी का अभिवादन किया। इस तस्वीर को देखकर पहली ही नज़र में ये साफ हो जाता है कि इसे अमेरिकी राष्ट्रपति के पीछे खड़े होकर शूट किया गया है। हालांकि तस्वीर में ये भी स्पष्ट हो जाता है कि बाइडेन ने खुद से अभिवादन की पहल की थी जो कि पीएम मोदी के प्रभावशाली व्यक्तित्व का प्रमाण है। लेकिन गोदी मीडिया के पत्रकार और कई बीजेपी नेता इन तस्वीरों के सहारे पीएम मोदी को चने के झाड़ पर चढ़ा दिए हैं। गोदी मीडिया चर्चित एंकरों जैसे रूबिका लियाकत, अमन चोपड़ा, अमित देवगन के साथ बीजेपी आरटीसीएल के हेड अमित मालवीय, संबित पात्रा, सहजाद पूनावाला ने इस तस्वीर को साझा करते हुए अलग अलग कैप्शन दिया है। देश के सबसे विश्वसनीय न्यूज प्रदाता ANI ने भी पीएम की इस तस्वीर को हाईलाइट किया। G20 समिट की इस तस्वीर से जुड़े ट्वीट्स पर सवाल उठाते हुए तेलंगाना की TRS के IT सेल ने इसे पीएम की महिमा मंडन में चलाया गया टूल किट करार दिया है।